आज एक सवाल है और वो सवाल भी सबके लिए इतना इम्पोर्टेंट है कि उसका जवाब भी किसी के पास नहीं होगा। सवाल ये है कि आज के टाइम में स्टडी इतनी महंगी क्यों हो गई है? पहले गवर्नमेंट स्कूल की स्टडी इतनी अच्छी होती थी कि उस टाइम उस स्कूल में पढ़कर भी लोग अच्छे अच्छे जॉब्स करते थे। उस टाइम 5वीं 8वीं 10वीं की इतनी वैल्यू थी जो कि आज की BEd MA LLB कोई भी कोर्स कर लो उसके मुकाबले में भी नहीं है। प्राइवेट स्कूलों में लाखों रुपया फीस भरने के बाद भी, लाखों रुपया डोनेशन देने के बाद भी बच्चों को जॉब नहीं मिल पाती है। उनका बस एक ही मोटिव है, उनका बस एक ही एम रह गया है कि स्टडी करो और बाहर जाओ। प्राइवेट स्कूल वालों के तो खर्चे इतने हैं कि एक छोटे से बच्चे, नर्सरी क्लास के बच्चे की फीस ही 2000 रुपये से लेके 5000 रुपये पर मंथ तक की है। कुछ प्राइवेट स्कूल तो बच्चों को फीस ना भरने पर या तो उनको क्लास से बाहर निकाल देते हैं या फिर उन्हें क्लास में ही बैठने नहीं देते, जिसके कारण उनका एक साल तक खराब हो जाता है। और ऊपर से ये इनका एक नया लॉकडाउन वाला पंगा शुरू हो गया है। स्कूल ओपन हो या ना हो, फीस भरो और ऑनलाइन क्लासेस लगाओ। भाई जो छोटा बच्चा है उसको क्या पता है कि ऑनलाइन क्लासेस क्या होती हैं, वो क्या देखेगा उसमें? बड़े बच्चे तो फिर भी पढ़ लेंगे, लेकिन छोटे बच्चे को तो बस एक मोबाइल देखने का बहाना मिल जाता है। जो अफोर्ड कर सकता है उनके लिए तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन जो मिडिल क्लास वाला है वो अपने बच्चे को कैसे पढ़ाएगा? एटलीस्ट लॉकडाउन पीरियड में स्कूल वालों को ये चाहिए कि वो अपने वो बच्चों की फीस हाफ कर दें और टीचर्स की सैलरी भी हाफ कर दें, ताकि बच्चों को पढ़ाने वाले माता पिताओं के ऊपर कोई बर्डन ना हो। ये एक मेजर प्रॉब्लम है और ये प्रॉब्लम सबकी है, लेकिन कोई भी बोलता नहीं है, कोई भी आवाज़ नहीं उठाता है। अगर कोई आवाज़ उठाए, हम सब मिलकर आवाज़ उठाएं, तो जो पहले के गवर्नमेंट स्कूल थे उनकी हालत सुधर सकती है, उनके टीचर्स अच्छे हो सकते हैं और बच्चों का फ्यूचर भी सिक्योर हो सकता है। और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक एंड शेयर ज़रूर करें। थैंक यू।